हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ। आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ 3 हिस्टोरिकल एंड फेमस प्लेसेस इन पौंडीचेरी। माय फर्स्ट डेस्टिनेशन इज भारती पार्क, आल्सो नोन एज द गवर्नमेंट पार्क। देखिए यहाँ का टाइमिंग लिखा हुआ है मॉर्निंग 6 टू इवनिंग 7 PM और ये पार्क 100% फ्री है, यहाँ का कोई एंट्री फीस नहीं है। ये संडे भी खुला रहता है और आप लोगों के सामने जो व्हाइट मोनूमेंट है, जो व्हाइट कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, इट्स अ हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन, नेम इज आई मंडपम। इट वाज बिल्ड बाय लुइस गैरी इन द ईयर ऑफ 1854। देखिए अंदर वो लेडी जिसको हम लोग आई बोलते हैं, उसका स्टैचू है। सुना गया है कि ये जो आई है, ये खुद का घर तोड़ दिया था 60th century में, ये लोकल लोगों का पानी के प्रॉब्लम के लिए ये वाटर रिजर्वर बनाए थे खुद के घर तोड़ के। आप देख सकते हैं ये पार्क पूरा ग्रीनिश ग्रास एंड बिग ट्रीज से भरा हुआ है और कितना क्लीन भी है। ये वॉकिंग ट्रैक है, मॉर्निंग टाइम पे आप यहाँ पे वॉकिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। देखिए इतना गर्मी के बाद भी लोग कितना रिलैक्सली यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये पार्क में इतना ट्रीज की वजह से जितना भी गर्मी हो ये ज़्यादा फील नहीं होता है, इसलिए आप कभी भी आपके फैमिली के साथ आके यहाँ पे फैमिली फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कुछ बर्थडे पार्टी हो गया, कुछ एनिवर्सरी हो, कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये एक अलग से पार्ट है, जो पहले आपको बोला था ये पार्क का एक स्पेशल पार्ट है जो चिल्ड्रंस के लिए बना गया है। तो आप अगर फैमिली के साथ यहाँ पे आएंगे तो आपका चिल्ड्रंस कभी बोर नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे एंगेजमेंट है यहाँ पे जो चिल्ड्रन को बिजी रखते हैं। शायद ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए, लेकिन ये पूरे पार्क में क्या क्या अवेलेबिलिटी है सब कुछ आप लोगों को कवर करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। जैसे आपको पहले ही बताया था कि ये वीडियो सिर्फ एक पार्ट का नहीं है, और भी 2 लोकेशन ये वीडियो के एंड पर है। ये पार्क का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है जो पार्क के लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। इस पार्ट को लोग फोटो जोन या शूटिंग जोन या व्यू पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि इस पोर्शन पे खड़े होके आप नीचे पूरे पार्क का जो नज़ारा है वो देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये पार्क के शूटिंग स्पॉट भी हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे तमिल शूटिंग भी होता है इस पार्क के अंदर। ये सारे मॉडल शूटिंग के लिए बनाया हुआ है। चलिए अभी जितना भी पार्क के अंदर दिखाना था दिखा दिया, अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। डेस्टिनेशन है गवर्नर हाउस राजनिवास। ये एग्जैक्टली भारती पार्क के अपोजिट पे है। आप जब भी भारती पार्क को विजिट करने के लिए आएंगे तो ये गवर्नर हाउस पे एक बार ज़रूर आना। ये गवर्नर हाउस यूजुअली पूरे साल में ओपन नहीं रहते विजिटर्स के लिए। आप अगर पहले एप्लीकेशन करेंगे तो एज पर अवेलेबिलिटी शायद ही आपको अंदर आने दे सकते हैं, और नहीं तो 26 जनवरी रिपब्लिक डे पे हर साल शाम 7 बजे से 9 बजे तक यहाँ पे गेट खुला रहता है विजिटर्स के लिए। यहाँ पे उस दिन बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, पूरे गवर्नर हाउस लाइट से सजा देते हैं, तो ये सचमुच देखने के लायक होते हैं उस दिन पे। तो गवर्नर हाउस के बाद चलिए हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है उसकी तरह बढ़ते हैं। फाइनली पहुंच गए आज की लास्ट डेस्टिनेशन पे, जो है पौंडीचेरी म्यूजियम। ये म्यूजियम एस्टेब्लिश हुआ था 1983 में। एकदम गेट के पास ही लिखा हुआ है म्यूजियम में एंट्री लेने के टाइमिंग।
और ये टाइमिंग है मॉर्निंग 9 AM टू इवनिंग 6 PM और हॉलीडेज है एवरी मंडे, उसके साथ अगर कुछ पब्लिक हॉलीडे है तो उस दिन भी ये म्यूजियम बंद रहते हैं। गेट से घुसते ही आप देख सकते हैं सारे हिंदू देव देवियों का मूर्ति यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। सब मूर्तियों के नीचे नेम टैग भी अवेलेबल है। बहुत पुराने हो जाने के वजह से कुछ कुछ नेम आधा टूटा हुआ है। दिस म्यूजियम हैज एन एक्सेलेंट गैलरी विथ स्कल्पचर्स एंड हैज द रिमेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स फ्रॉम द आरिकामेदु रोमन सेटलमेंट। ये म्यूजियम बहुत ही इंफॉर्मेटिव है बिकॉज यहाँ से इंडियन हिस्ट्री एंड फ्रेंच कॉलोनियल पीरियड के बारे में बहुत जानकारी मिलता है। और म्यूजियम के अंदर फ्रेंच गवर्नमेंट का भी यूज किया हुआ फर्नीचर, टेराकोटा फिगर्स, क्रूकरी, गन्स, स्वॉर्ड्स, पेंटिंग्स, मिरर्स एंड बहुत सारे एंटिक्स आइटम भी अवेलेबल है। अंदर में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो यही एंट्री गेट है। यहाँ से टिकट काउंटर में आप टिकट कलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से टिकट खरीद के आप अंदर जा सकते हैं म्यूजियम के सारे आइटम्स देखने के लिए। तो एंट्री फीस है 10 rupees एडल्ट के लिए, 5 rupees चिल्ड्रन का, और अगर फॉरेनर है तो 50 rupees। एक पेंटिंग गैलरी सेक्शन भी है तो इसके अंदर बहुत ग्लास पेंटिंग, कॉलोनियल प्रिंट्स एंड कॉन्टेम्पोररी ऑयल्स पेंटिंग, पेस्टल पेंटिंग, बहुत सारे पेंटिंग्स अवेलेबल है। यहाँ पर भी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो बाहर से आपको दिखा रहा है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए